चलिए चाय के साथ कुछ कोड की बातें कर लें। जैसे ही चैनल बनाया, सबसे पहली जो रिक्वेस्ट आई इंस्टाग्राम पे कि सर बताइए डीएसए करें या डेवलपमेंट करें, और मुझे लगा अभी तो चैनल स्टार्ट किया है, अभी से कंट्रोवर्सी कराओगे क्या। बट फिर मुझे लगा इस क्वेश्चन का भी आंसर देना ज़रूरी है कि डीएसए करें या डेवलपमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं चाहूँगा कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ। कहानी बहुत ही सिंपल है, पर्सनल है। जब मैं 12th क्लास में था, मुझे फिज़िक्स और मैथ्स बहुत पसंद थे, केमिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और इसलिए केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था। जैसे ही फर्स्ट एग्ज़ाम 12th के आए, फिज़िक्स आई टॉप्ड इन द क्लास, मैथ्स भी बहुत अच्छा गया। लेकिन जैसे ही केमिस्ट्री का पेपर आया, जिसके बीच में एक दिन का गैप था, मुझे लग गया था तभी कि अब तो फेल हुए, केमिस्ट्री में पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कैसे जैसे करके एक दिन में कुछ क्वेश्चंस जो कि समझ तो मुझे आए नहीं थे ऑनेस्टली, रट्टा ही मारा उनका मैंने, और कैसे जैसे करके इतने मार्क्स लाया कि पास हो जाऊं कैसे भी। पास होने के बाद सिर्फ एक एक्स्ट्रा मार्क्स मुझे मिला और बाकी पेपर अच्छे हुए थे, बट केमिस्ट्री जो कि मुझे पसंद नहीं था उसमें हालत ख़राब ही थी। जैसे ही रिजल्ट आया, ऑब्वियसली बात है फिज़िक्स टॉप्ड, मैथ्स काफ़ी अच्छा, बट केमिस्ट्री ओवरऑल वीक रह गई, काफ़ी वीक। और जब ओवरऑल कैलकुलेट हुई परसेंटेज तो आसपास भी नहीं था, बहुत नीचे श्रिंक हो गई। इसी तरह से आपका डीएसए और डेवलपमेंट है। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा एंटायरली, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपको क्या पसंद है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना बैलेंस रख पाते हैं। रिगार्डलेस आपको कोई चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, आप में से बहुत सारे लोगों को डीएसए पसंद होगा और बहुत सारे लोगों को डेवलपमेंट पसंद होगा, बट रियलिटी यही है लाइफ की कि इसमें बैलेंस चाहिए। आपको डीएसए भी करना पड़ेगा, आपको डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों की क्या है कि पर्सनल कहानी अलग है। कुछ लोग जो कि अच्छे कॉलेजेस में थे, उनके कॉलेजेस में कंपनियां आती है और कंपनियां इवैल्यूएट करती है डीएसए पे डायरेक्टली, बिकॉज डेवलपमेंट में बाद में पूछेंगे, पहले कुछ राउंड्स होने चाहिए जहां पे कुछ बच्चों की छटनी हो जाए, तो इसलिए वहां पे एप्टीट्यूड भी पूछते हैं, आपकी परसेंटेज भी पूछते हैं, ताकि हज़ार लोगों का इंटरव्यू नहीं करना पड़े, कुछ लोगों का इंटरव्यू हम कर लें। और इसी तरह से फाइनल जो क्वेश्चंस होते हैं वो डीएसए से स्टार्ट होते हैं और फिर पूछा जाता है आपके डेवलपमेंट का। अब जो भी लोग यूट्यूब पे हैं या फिर जिनका एक्सपीरियंस इस तरह से रहा है, जो कि अच्छे कॉलेजेस में है और जिनके कॉलेजेस में कंपनी आती है, वो हमेशा आपको यही राय देंगे कि डीएसए करो, क्योंकि उनका जो जर्नी है, जो स्टार्ट हुआ, जिससे उनको ब्रेक मिला, वो था डीएसए। बट आपको जो बहुत सारे और लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी जर्नी खुद तय करी है, जिनका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ है, वो आपको कहेंगे कि डेवलपमेंट करो, बिकॉज बाहर बहुत सारी कंपनियाँ और स्टार्टअप है वो डीएसए नहीं देखती इतना, वो पहले डेवलपमेंट देखती है और उसके बाद आपको इवेंचुअली डेवलपमेंट के साथ साथ डीएसए समझ में आने लगेगा। तो गलत यहाँ पे कोई भी नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी डीएसए से और इसीलिए वो कहते हैं डीएसए ही सब कुछ है। कुछ लोगों ने अपनी जर्नी डेवलपमेंट से स्टार्ट करी और उनको लगता है कि डेवलपमेंट ही सब कुछ है। बट जैसे ही आपको 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस होगा, आपको लगेगा ये तो एक बैलेंस की कहानी है, डीएसए भी करना पड़ेगा और डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का कुछ वेब डेवलपमेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्ट तो डेवलपमेंट से ही होगा, बट इवेंचुअली जब आपका बिल आने लगता है, आपको चाहिए और ऑप्टिमाइज्ड हो और आपकी एप्लीकेशन फास्ट हो, सर्वर्स का बिल कम आए, कम डेटाबेस से क्वेरी करे, कम इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से आए और उसी में हमारा काम हो जाए, क्योंकि बिलिंग जो होती है डेटाबेस की वो डिपेंड करती है आपकी क्वेरी के साइज पे, नंबर ऑफ क्वेरीज पे, कितना डेटा आ रहा है, कितना डेटा जा रहा है, तो वहाँ पे बिलिंग कम होती है डीएसए से। सो ये एक बैलेंस है, जितनी जल्दी आप इसको मान लें उतना जल्दी ठीक रहेगा। और फटाफट से ये वीडियो सेंड कर दो उन्हीं सभी दोस्तों को जो सिर्फ कहते हैं कि डीएसए और सीपी से ही सब कुछ होगा। लाइफ तो बैलेंस है, बैलेंस आउट करनी पड़ेगी। तो फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह से और चर्चाएं करते रहेंगे और बहुत जल्दी कोडिंग की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। मिलते रहिए चाय और कोड पे।